क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी कार है जो पूरी तरह से पत्थर से बनी है, मतलब उसके स्टेयरिंग, उसके टायर सब कुछ पत्थर से बने। और अगर हम बात करें प्रीडेस्टिनेशन और डार्क की, तो दोनों को कंपेयर करें तो किसका टाइम ट्रैवल कंसेप्ट सबसे बेस्ट है, कौन जीतेगा? ऐसे ही अमेजिंग एंड मिस्ट्रियस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो में बने रहे और वीडियो एंड तक देखें। और हाँ गाइस, पिछले वीडियो में मेरी आवाज़ बहुत ही कम थी, तो आपको कोई कोई फैक्ट्स पूरी तरह से समझे नहीं होंगे, नहीं तो सुनाई नहीं देंगे होंगे, इसलिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। तो इस वीडियो में आपको ऐसे ही मिस्ट्रियस अमेजिंग फैक्ट देखेंगे, तो वीडियो में पूरा देखें और वीडियो में बने रहे। सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्ट्रियस फैक्ट। फैक्ट नंबर 7, क्या आपने कभी खून का झरना देखा है, खून का वाटरफॉल? हाँ, ऐसा एक रियल वाटरफॉल मौजूद है। अंटार्कटिका में मौजूद इस वाटरफॉल को ब्लड वाटरफॉल भी कहते हैं। इस वाटरफॉल को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कई लीटर खून ऊपर से बहकर नीचे आ रहा है। आप में से कई लोगों को इस वाटरफॉल के बारे में जानकारी होगी, पर यह वाटरफॉल लाल ही क्यों बहता है, मतलब इसका रंग लाल ही क्यों है, इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, चलो जानते हैं। अंटार्कटिका के विक्टोरिया लैंड पर एक ग्लेशियर रिवर है, एक हिम नदी है। जब वो ऊपर से बहता है तब ऐसा लगता है कि मतलब कई लोगों ने लड़ाई हुई, कई लोगों की लड़ाई हुई और उन लोगों का खून सब बहकर नीचे आ रहा है। ऐसे दिखने में तो बहुत सही दिखता है, पर ऐसा कुछ होना ही होकर इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। इस एरिया के समंदर के पानी में पानी से कई गुना ज़्यादा अल्कलाई से भरे हुए तालाब भी है। जब बड़ी मात्रा में आयन पार्टिकल से भरे हुए पानी हवा के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तब एक केमिकल प्रोसेस से चलते हुए पानी गंज पकड़ा हुआ लगता है और वो पानी बर्फ पर पड़ता है। तब ऐसा दिखता है कि कोई खून, मतलब कोई लाल पानी, खून जैसा पानी नीचे बहकर आ रहा है। फैक्ट नंबर 6, स्पेस में एक सुपरनोवा है जिसे 30 साल पूरे हो गए। 30 साल पहले मतलब 23 फेब 1987 को एस्ट्रोनॉमर्स ने स्पेस में एक अजीब चीज़ नोटिस की। जब तारे मरते हैं ना, तब जो विस्फोट होता है उसे सुपरनोवा कहते हैं। ऐसे ही 30 साल पहले एस्ट्रोनॉमर्स ने स्पेस में एक सुपरनोवा को ऑब्जर्व किया था। उसे उन्होंने सुपरनोवा 1987A नाम दिया। उसे टाइटैनिक सुपरनोवा भी कहते हैं। अमेजिंग बात यह है कि जब यह विस्फोट हो रहा था, वो इतना विस्फोटक था कि उसकी रोशनी अर्थ से लोगों को अपनी आंखों से देखने को मिली। SN 1987 EA ये जो था, वो एक बड़े मैग्नेटिक क्लाउड में से दूसरा सुपरनोवा था और उसमें से 10 करोड़ सन जितनी एनर्जी निकल रही थी, जो अपने मिल्की वे है उसमें से एक बोनी सैटेलाइट थी। SN 1987 A पृथ्वी से 51.4 किलो पर सेकेंड, मतलब 1,68,000 लाइट ईयर्स दूर है, और सबसे नज़दीकी सुपरनोवा केपलर सुपरनोवा है। अब इस सुपरनोवा की 2017 को 30 साल पूरे हुए। इस सुपरनोवा की 23 फरवरी 1987 की चमकती हुई तस्वीरें भी अभी मौजूद है। SN 1987 A की खोज इयान शेल्टन और ऑस्कर टूहेल्ड इन्होंने 24 फरवरी 1987 को चिली के लैस कैंपस ऑब्जर्वेटरी से और न्यूजीलैंड में अल्बर्ट जोनस के मदद से उस 24 घंटे के बीच में ऑब्जर्व किया था। फैक्ट नंबर 5, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। नीदरलैंड में जो भी रेलवे चलते हैं वो हवा पर चलते हैं। मतलब आप बोल रहे होगे कि ये क्या चुतियापा कर रहा है यार, तो रुको जरा रुको, सुनो। जो नीदरलैंड है वहाँ की रेलवे विंड मिल के थ्रू चलती है, मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी रेलवेज को लगती है वो विंड मिल से जनरेट होती है। अब नीदरलैंड की 100% रेलवेज विंड मिल पर ही चलती है। अब समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। फैक्ट नंबर 4, अब आप इस वाटरफॉल की पिक्चर को देखो। ये एक इंडोर वाटरफॉल है जो सिंगापुर में एक एयरपोर्ट पर है। हाँ, आपने सही सुना, एक सिंगापुर पे एयरपोर्ट पर मौजूद है। एक इंडोर वाटरफॉल है जो सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पर मौजूद है।
और इसे देखने के लिए कई लोग वहाँ जाते हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा इंडोर वाटरफॉल है। ये रेन वोर्टेक्स 7 मंजिला लंबा है। ये ज्वेल बिल्डिंग के छत के माध्यम से 5 लाख लीटर बारिश का पानी पंप करता है। इसका वॉल्यूम इतना है कि ओलंपिक के 5th साइज स्विमिंग पूल जितना इसका वॉल्यूम है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको डायनासोर खरीदना है? मैं आपको टॉयज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं असली डायनासोर की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आप एक डायनासोर के स्केलेटन को खरीद सकते हैं अगर आप ऐसी चीज़ों में शौकीन है तो। टायरानोसॉरस रेक्स, इस डायनासोर जिसे स्टैन के रूप से भी जाना जाता है, वो लगभग 67 मिलियन ईयर्स पहले रहता था। वो 13 फुट लंबा है। सिर से पूंछ तक उसकी लंबाई 40 फुट है, जिसमें कुल 188 बोन्स हड्डियां हैं, और उसकी प्राइस लगभग $8 मिलियन है। समझे आप? क्या आपको खरीदना हो है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर खरीदे। अरे रे रे, मैं मजाक कर रहा था भाई। फैक्ट नंबर 2, आपने सोने की कार देखी होगी, ऑटोमेटिक कार्स भी देखी होगी, और कई प्रकार की कार्स देखी होगी। अब तो ये कॉमन है, पर क्या आपने कभी पत्थर से बनी हुई कार के बारे में सुना है? जी हाँ, ऐसी भी एक कार है। ये कार चाइना में एक आदमी ने बनाई है, उसका नाम डाई गेंग है। BMW Z4 इस स्पोर्ट्स कार की जैसी उन्होंने उसका डिज़ाइन किया है। और गजब की इंटरेस्टिंग की बात यह है कि ये पत्थर की कार चलती भी है। मतलब हम इस पत्थर की कार को चला सकते, किसी को राइड पे लेके जा सकते हैं। इस कार का वेट तकरीबन 6.5 टन है, और ये कार पर हार 150 मील्स के स्पीड से जा सकती है। इस कार की सेलिंग प्राइस सिर्फ 80,000 पाउंड है, मतलब इंडियन करेंसी में बोले तो 75,93,216 रुपीस, ऐसे कुछ तो है। पत्थर से बनाई हुई ये कार 5 मीटर तक लंबी है और 2.5 मीटर तक चौड़ी है। इसकी हाइट 1.6 मीटर है। इस कार का हर एक पार्ट्स बोले तो स्टेयरिंग, टायर्स, सब कुछ पत्थर का ही बना हुआ है। मतलब इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे गजब गजब अमेजिंग फैक्ट्स, अमेजिंग चीज़ें बनाते रहते हैं। मतलब उनको सल्यूट यार, अमेजिंग यार, अमेजिंग। फैक्ट नंबर 1, ये फैक्ट जानने से पहले आपको एक हिम्मत जुटानी पड़ेगी, एक हौसला जुटाना पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्ट जानने के बाद आपको चक्कर आ सकती है, नहीं तो आप सिर्फ सिर्फ खुजाए रह जाओगे। क्या आपने कभी प्री डेस्टिनेशन मूवी और डार्क सीरीज देखी है? कुछ लोगों ने देखी होगी और कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी। तो जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि ये दोनों मूवी और सीरीज टाइम ट्रैवल पे बेस है। तो सवाल ये है कि कौन सी मूवी का टाइम ट्रैवल कंसेप्ट अच्छा है, बेस्ट है? बात करें तो दोनों का भी कंसेप्ट यूनिक और तगड़ा है। दोनों को देखने के बाद आप एक अलग ही दुनिया में चले जाओगे। मतलब 4-5 दिन तो आपको समझने में ही जाना होगा क्या क्या था इसमें। ये एक सीधा साधा टाइम ट्रेवल नहीं है कि जो डोरेमोन आएगा और टाइम मशीन निकालेगा और फ्यूचर में जाके कुछ भी बकचोदी करता रहेगा। ये एक यूनिक और कॉम्प्लिकेटेड टाइम ट्रेवल है। दोनों मूवी सीरीज का कंसेप्ट यूनिक है। पहले बात करिए तो प्री डेस्टिनेशन की, तो इसमें एक आदमी की कहानी है जिसे एक मिशन पर भेजा जाता है पास्ट में हुए विस्फोटक को रोकने के लिए। वो एक टाइम ट्रेवलर है, पर वो एक टाइम पैराडॉक्स में फंसा है, और उसे पता है वो फंसा है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये टाइम ट्रेवलर क्या है, हमें तो पता नहीं। अगर मैं आपको उसके बारे में बताने लगा तो वीडियो आधे घंटे से भी ऊपर हो जाएगी। तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि टाइम पैराडॉक्स मतलब एक ऐसी चीज़ होती है कि मतलब अपनी लाइफ में वो बार बार रिपीट होती है। मतलब अगर आपने अभी खाना खाया तो पहले भी खाना खा चुके होगे, पर आपको कभी समझ भी नहीं आएगा कि आपने खाना खाया। मतलब एक ही चीज़ फिर से रिपीट होती रहती है।
मतलब आपको भनक से भी नहीं लगती। मतलब एक सर्कल है जिसका कोई भी बिगिनिंग नहीं है ना कोई एंड पॉइंट है। मतलब आप एक टाइम पैराडॉक्स में फंस गए तो ना आपका बिगिनिंग होगा, ना आपका बिगिनिंग होगा ना आपका एंड होगा। इसे लूप होल भी कहते हैं। अब लूप होल का काम आगे है। तो सुनो, प्री डेस्टिनेशन में एक आदमी टाइम पैराडॉक्स में फंसा हुआ है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। वही खुद, मतलब खुद ही वो बाप है, माँ है और बच्चा, मतलब सब कुछ वही है। क्यों, अब शौक लगा ना, फ्यूज़ उड़ गया ना। अब सुनो, आपको सब सब आप मतलब आप सोच रहे होगे कि आप ये क्या बोल रहा है, मतलब हमको कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर आप चिंता मत करें, अगली वीडियो में इस पर सेपरेट इस टॉपिक पर बनाने वाला हूँ, तो ज़रूर देखें। वो प्री डेस्टिनेशन में वो कभी भी मरा नहीं, मतलब वो जिंदा होता था, अपनी लाइफ जीता था, फिर मर जाता था, फिर जिंदा होता था। अब बात की जाए डार्क सीरीज़ की, तो डार्क सीरीज के देखने के बाद आपको, मतलब मैंने जब देखा था तो मैं खुद को ही भूल गया था। मतलब बहुत ही यूनिक तगड़ा कंसेप्ट है। तो एक बड़ा एक लूप होल है। लूप होल मतलब लूप होल एक टाइम पैराडॉक्स जैसा ही रहता है। मतलब इसमें मैं शॉर्ट में बताऊँ तो दो कैरेक्टर से मैं उससे ही उन दोनों से पूरी दुनिया बनी है। मतलब उन दोनों कैरेक्टर से वजह से दुनिया के हर लोग पैदा हुए, हर एक लोग। अब आप समझ रहे होंगे कि ये क्या बोलने जा रहा है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही मुश्किल समझाना है। डार्क सीरीज समझ में बहुत ही मुश्किल है, तो आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। बात की जाए तो डार्क सीरीज में टाइम ट्रैवल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब कब कौन सा मोड़ लेगा वो पता भी नहीं चलेगा, और उसमें से जुड़ा हुआ हर एक लम्हा, मतलब हर एक लोग, हर एक समय, हर एक इंफॉर्मेशन यूनिक रहे। मतलब आप एक भी यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन छोड़ते हो तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। एक एक कंसेप्ट से बारीकाई से उस पर काम किया है। मतलब वो बहुत ही बाप सीरीज़ है, मतलब टाइम ट्रैवल पे पूरा बाप है। पर प्री डेस्टिनेशन मूवी भी कुछ कम नहीं है। अगर प्री डेस्टिनेशन सीरीज़ होती तो डार्क को टक्कर दे पाती, पर अभी भी वो दोनों का कंसेप्ट तगड़ा है, इसलिए दोनों में दोनों को टक्कर, मतलब टक्कर देने के लिए है, सही है। तो इसका रिजल्ट यही आता है कि दोनों को कंपेयर की जाए तो दोनों मूवी जीत नहीं सकती, वो दोनों इक्वल ही है। दोनों का कंसेप्ट बहुत ही यूनिक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्री डेस्टिनेशन मूवी और डार्क सीरीज देखें, और देखते समय आप एक ऐसे मोड पे पहुंच जाओगे कि तब आपको यही डायलॉग याद आएगा। भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, नहीं, मारो नहीं मारो यार, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। आप में से कई लोगों को ये फैक्ट समझा नहीं होगा। मतलब आप में से कई लोगों को कुछ टाइम पैराडॉक्स क्या होता है, लूपहोल क्या होता है, वही समझा नहीं होगा। तो आप चिंता ना करें, अगली वीडियो इस पर मैं बनाने वाला हूँ सेपरेट। तो अभी से नीचे दिए गए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और बाजू के बेल आइकॉन है उस पर उसको ऑल पर रखें, क्योंकि अगली वीडियो बहुत ही दमदार होने वाली है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और कोई भी सवाल रहेगा तो कमेंट्स में पूछ लेना। ऐसे ही मिस्ट्रियस फैक्ट्स और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया है लाल कलर के, उस पर क्लिक करें, और बाजू में बेल आइकॉन रहेगा उसको ऑल पर रख दें, क्योंकि अपने नए नोटिफिकेशन, अपने नए वीडियोस आते तब नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और चैनल थोड़ा नया है तो सपोर्ट करें गाइस। चलो मिलते हैं अगले वीडियो।